एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते. पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है. मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है. कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना. तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है. अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है. कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके. हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना है, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं. अपने आप को यह बोलो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए. अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो. कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी. तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे. ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार. पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो. अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना. बट माय क्वेश्चन इज दैट what how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death? बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है. जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही. मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती. अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे, समझ गए ना. वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना. आज हम खुद भी मर सकते हैं, तो अब कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो. ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं. ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर. आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है. तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो. ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ में. अभी हो सकता है ये समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें. उसके अलावा आपके आसपास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो. और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो. क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है. नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है. क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? देखो धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता. मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए. मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है. वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं.
बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है। दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल में मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू विल ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम के जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे, जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों, मैं बीच में आ गया ना। बस इसको ध्यान से समझ लो, ये बात पकड़ में आ रही है ना, कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना। खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना। जो हमारे थॉट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के जैसे हैं, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है। सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है। आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के, लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है, कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। जो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो, फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो,
पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो? यस और नो? नहीं पहुंचते हो, तो टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो? आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल में वीडियो गेम में क्या फर्क है? वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो? नहीं तो आप करोगे क्या? अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है? मत बोलो। क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है? या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार होगा उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो? क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं? अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, लेट इट बी, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए? तो देन यू विल हैव पेशेंस ऑल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो। बुरा लगेगा सुनने में, बट चिंदी बन जाते हो। सोच ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है, समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज हैं, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी आए, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। एक बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे? कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली, अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो। आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकत कर। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया? खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है, समझ रहे हो?
यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल्स आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है, ये बात लोगों को समझ नहीं आती है। रियल लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे ही जी रहे हैं, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे, लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना, बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या, अरे नहीं है, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो करना है वो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके लिए ये खेल है।